अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड ट्रेज बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज की इस वीडियो में हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 32, 76 एंड 80 का बाय डिवीजन मेथड। इस मेथड में आपको पता है कि हमें जो भी हमारे पास यहाँ जितने भी नंबर्स होते हैं उन्हें कम्प्लीटली डिवाइड करना होता है जब तक हमारे पास 1 ना आ जाए, और फिर हम जिन नंबर से डिवाइड करते हैं उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इन तीनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल पता चल जाता है, यानी कि ऐसा कौन सा नंबर है जो कि इन तीनों के टेबल्स में सबसे पहले सेम आता है। तो चलें जल्दी से बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और स्टार्ट करते हैं तीनों नंबर्स को डिवाइड करना। तो आपको पता है, जैसे मैंने अभी बताया कि जितनी भी वैल्यूज होती हैं हमारे पास 2, 3, 4, हमें उन्हें एक साथ ही डिवाइड करना होता है जब हम एलसीएम फाइंड आउट कर रहे होते हैं बाय डिवीजन मेथड। तो उनको डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या इनमें से कोई नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि लास्ट में इवन नंबर जैसे कि 2, 4, 6, 8 या फिर 0 हो। यहाँ पे आपको 2 नजर आ रहा है, यहाँ 6 नजर आ रहा है, यहाँ 0 नजर आ रहा है, यानी कि सारे ही नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में आपको पता है 3 नहीं आता, 3 से छोटा नंबर आता है 2 और वो आता है 1 पे। ठीक है, यहाँ असल में हमारे पास 3 था लेकिन लिया हमने 2 है, तो एक डिजिट जो हमारा रिमाइंडर है वो चला गया इस 2 के पास और ये बन गया 12। 2 के टेबल में 12 आता है 6 पे। ठीक है, अच्छा 2 के टेबल में इसी तरह आपको पता है 7 भी नहीं आता, उससे छोटा नंबर 6 आता है और 6 किस पर आता है, 3 पे। ठीक है, हमारे पास दोबारा से यहाँ एक नंबर जो है वो रिमाइंडर है वो चला गया इस 6 के पास और ये बन गया 16। 2 के टेबल में 16 आता है 8 पे। ठीक है, अब 2 के टेबल में 8 बिल्कुल आता है 4 पे और ये वाला 0 हमने एज इट इज कॉपी कर लिया। अभी भी हमें सबके लास्ट में इवन नंबर्स नजर आ रहे हैं इसलिए अभी भी ये वैल्यू 2 से ही डिवाइड होगी। 2 के टेबल में 16 बिल्कुल आता है 8 पे, 2 के टेबल में 3 तो नहीं आता लेकिन उससे छोटा नंबर 2 आता है और वो आता है 1 पे। जो यहाँ हमारा एक रिमाइंडर था वो चला गया इस 8 के पास और ये बन गया 18 और 2 के टेबल में 18 आता है 9 पे। ठीक है, अब 2 के टेबल में 4 बिल्कुल आता है 2 पे और ये वाला 0 हमने एज इट इज कॉपी कर लिया। अभी भी इनमें से कुछ वैल्यूज 2 से डिवाइड हो सकती हैं, तो जो 2 से डिवाइड हो सकती हैं उसे हम 2 से ही डिवाइड करेंगे। जैसे ये 2 के टेबल में 8 आता है 4 पे, 19 जो है प्राइम नंबर है सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल में आता है, आपको पता है 19 किसी और टेबल में नहीं आता है, इसलिए 19 को अभी हमने यहाँ ऐसे ही कॉपी कर लिया क्योंकि अभी हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं जो कि 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकते हैं। 2 के टेबल में 20 बिल्कुल आता है 10 पे। अभी भी ये दोनों वैल्यूज 2 से डिवाइड हो सकती हैं तो हमें 2 से ही डिवाइड करना है। 2 के टेबल में 4 आता है 2 पे, 19 को फिर से हमने ऐसी कॉपी कर लेना है और 2 के टेबल में 10 आता है 5 पे। ठीक है, अभी भी ये वाले 2 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो हमने इसे 2 से ही डिवाइड करना है। 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे, यहाँ 19 और 5 को हमने ऐसी कॉपी कर लेना है क्योंकि 5 भी आपको पता है 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि ये ऑड नंबर है, इसलिए 5 को भी हमने यहाँ ऐसे ही कॉपी कर लिया। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, अभी हमें इस 19 और 5 को भी कम्प्लीटली डिवाइड करना है। 5 आपको पता है 5 भी प्राइम नंबर है सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता है, इसलिए यहाँ हम पहले इस 5 को डिवाइड करेंगे 5 से। ये 1 हमारे पास यहाँ ऑलरेडी आ चुका है, 19 5 के टेबल में नहीं आता इसलिए इसको भी हमने ऐसी कॉपी कर ली और 5 के टेबल में 5 आता है 1 पे। ठीक है, तो यहाँ आ चुका है हमारे पास 1। अब यहाँ पर हमारे पास 19 है, जैसा कि मैंने आपको बताया 19 जो है वो प्राइम नंबर है सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल से डिवाइड हो सकता है, तो यहाँ इस 19 को हमने 19 से ही डिवाइड करना है। ये 2 हमारे पास 1 ऑलरेडी आ चुके थे, इन्हें हमने पहले ऐसी कॉपी कर लिया और 19 के टेबल में 19 भी आता है 1 पे, तो ये तीनों वैल्यूज कम्प्लीटली डिवाइड हो चुकी हैं। अब हम इसका एलसीएम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें इन सब नंबर्स को करना है मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, हम काउंट कर लेते हैं कितने 2s हैं हमारे पास यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5। तो हमारे पास यहाँ 5 2s हैं, तो हमने सबसे पहले लिख लिया ये, उसके बाद है मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 19। अब क्या करना है हमें एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए, इन सबको करना है मल्टीप्लाई। 2 टाइम 2 इज 4, 4 टाइम 2 इज 8, 8 टाइम 2 इज 16, 16 टाइम 2 इज 32 और यहाँ 32 को मल्टीप्लाई करना है हमने 5 से, वो हम यहाँ रफवर्क में कर लेते हैं। 32 को मल्टीप्लाई 5 से, 5 टाइम 2 इज 10, 10 का 0, 1 हमारा कैरी चला गया, 5 टाइम 3 इज 15 एंड 1 16। ठीक है, तो ये आ गया 160। अब 160 को हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना है 19 से, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं हम जल्दी से। 9 टाइम 0 इज 0, 9 टाइम 6 इज 54, 54 का हमने लिखा सिर्फ और सिर्फ यहाँ 4 और 5 हमारा यहाँ कैरी चला गया। 9 टाइम 1 इज 9, 9 प्लस 5 14, तो हमने यहाँ लिख लिया पूरा 14। अब हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है इसी तरह, 1 टाइम 0 इज 0, 1 टाइम 6 इज 6 एंड 1 टाइम 1 इज 1। अब हमें क्या करना है, इन सबको प्लस करना है, 0
फोर प्लस जीरो फोर, सिक्स प्लस फोर टेन, टेन का जीरो वन, ये हमारा कैरी चला गया वन टू एंड थ्री जी। तो हमारा जो एलसीएम है 32, 76 एंड 80 का वो आ चुका है और वो है 3040। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं अपना एलसीएम 3040। ठीक है, यानी कि 3040 वो नंबर है जो कि 32, 76 एंड 80 इन तीनों टेबल्स में आता है और जो है इन तीनों का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, इससे बड़े और मल्टीपल्स हो सकते हैं इन तीनों के टेबल्स में जो कोई कॉमन हो, लेकिन 3040 से छोटा कोई और कॉमन मल्टीपल इन तीनों के टेबल्स में नहीं हो सकता। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।